अस्सलाम वालेकुम, आई एम सईद अकबर एंड यू आर वाचिंग स्टडी पेज। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी वेबसाइट्स बताने वाला हूं जो कि आपको पसंद आएंगी। ये ऐसी वेबसाइट्स है जो कि हर बंदे के लिए यूज़फुल है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज़ archive.org। archive.org वेबसाइट विज़िट करके देखते हैं। अगर आपको कोई हिस्टोरिकल वेब पेज चाहिए या कोई इसी तरह की वीडियो चाहिए जो कभी आपने इंटरनेट के ऊपर देखी हो और आजकल आपको वो नहीं मिल रही, या आपके फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वेबसाइट के ऊपर आपने कुछ देखा हो और वो वेबसाइट अभी अपडेट हो चुका है और उसके 3-4 साल हो गई है, तो वो रिकॉर्ड आप यहाँ निकाल सकते हैं। कंसिडर करें, यूईटी मर्दान का वेबसाइट मैं एक्सेस करता हूँ, तो आजकल ये वेबसाइट ये है, इसका डिज़ाइन वगैरह देख सकते हैं, क्या कहते हैं ये न्यू पोस्ट न्यू डेटा जो है आप देख सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूईटी मर्दान की वेबसाइट के ऊपर 2019 में कुछ अपलोड हुआ था और मुझे वो चाहिए, तो जस्ट इसका यूआरएल आप कॉपी कर दें, इसका यूआरएल कॉपी कर दें, यहाँ पेस्ट कर दें, इसके साथ ही बता दें कि दिस इज़ आर्काइव वेबसाइट, ठीक है, एंड गो। इसको सर्च कर दें तो दिस archive.org क्या करता है, टाइम बाय टाइम रैंडमली डिफरेंट वेबसाइट के अपने साथ इमेजेस सेव करता है और वो इमेजेस इसके साथ इसके पास हमेशा के लिए सेव हो जाती है। तो अगर आपको बाद में वो पुराना वाला डाटा चाहिए किसी वेबसाइट का, तो यहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर यूटी मर्दान के जो इमेजेस इसने ली है प्रीवियस डेट में, वो सारे आ जाएंगे। सो यहाँ देख ले, कैलेंडर आ रहा है, ठीक है, अभी वो लोड हो रहा है। देखें, इसने 2018 से आगे यूटी मर्दान के इमेजेस अपने साथ सेव किए। फॉर एग्जांपल 2019 में मैं चाहता हूँ, 2019 में फर्स्ट मार्च को इस टाइम पर इसने एक स्क्रीनशॉट लिया था, इस तरह 1 अप्रैल 2 अप्रैल, इस तरह 1 जून 2 जून, और इस तरह रैंडम इसने मुख्तलिफ इसके स्क्रीन शॉट्स लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्नैप शॉट जो है इसने मार्च को लिया था, वो देख लेते हैं। दिस वॉज द यूटी मर्दान वेबसाइट ऑन 1 मार्च 2019, और 1 मार्च 2019 को इसके ऊपर जो भी डेटा था वो सारा यहाँ पर आ रहा है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर यहाँ पर कोई इस तरह की न्यूज़ चाहिए, कुछ इमेज वगैरह चाहिए जो कि पुरानी या गुजरे हुए वक्त में यहाँ पर आपने देखे हो, तो वो सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। अभी इंटरनेट मेरे साथ थोड़ा सा स्लो है, तो यहाँ पर इमेजेस सही लोड नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पर आपको सही इमेजेस और हर चीज़ परफेक्ट मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ archive.web। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ autodraw.com। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी डायग्राम को ड्रा करना हो या आपने किसी आइकन को क्रिएट करना हो, ठीक है, लेकिन आइकन इस तरह है कि आपको नहीं मिल रहा, सो दिस इज़ एन autodraw फैसिलिटी फॉर यू। इट इज़ AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आप क्या करें, यहाँ देखें ये इंटरफेस आ गया, यहाँ से जस्ट आप ऑटो ड्रा पर क्लिक कर दें और कोई यहाँ पर शेप ड्रा कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी कार की शेप ड्रा करता हूँ, ठीक है, कार तो इस तरह नहीं होती, लेकिन देखें जस्ट आप शेप ड्रा कर दें, ये खुद बखुद आपको सजेस्ट करके देगा, ठीक है। तो ऊपर देखें, जो ही मैं ड्रा करता हूँ तो मुख्तलिफ कार्स आ गई, इसे ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि मैं क्या ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ autodraw.com। एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, कोई और चीज़ फिर ड्रा करते हैं, यहाँ पर नया पेज लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई कार्टून ड्रा करता हूँ, ठीक है, तो देखिए जो ही मैं इसमें काम करता हूँ ऑटोमेटिकली मुझे सजेशन देता है, ठीक है। इसके साथ साथ फॉर एग्ज़ाम्पल इसके में हाथ पाव भी बना देता हूँ, तो देखें इसमें कुछ इस तरह के कार्टून वगैरह भी होंगे। देखें इसने मुझे ये मुख्तलिफ सजेशन दिए, ठीक है। सो autodraw.com बहुत मतलब ये कि अच्छी चीज़ है, यहाँ से आप इसके साथ कुछ टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट,
फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ बैट्समैन, ठीक है, और इसके कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आप और शेप शेप अगर ड्रा करने में आपको इस तरह कुछ शेप चाहिए तो यहाँ से आप उसको उठा सकते हैं, ठीक है। जूम जूम आउट एंड डिलीट सब कुछ इस यहाँ ये ऑप्शन है, ठीक है। सो यहाँ इस टूल को यूज़ करके आप अच्छे अच्छे डायग्राम्स बना सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ pdf2png.com। अगर आपके पास कोई PDF फाइल है और उससे आप इमेजेस एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मींस PDF फाइल है, आप चाहते हैं कि वो इमेजेस में कन्वर्ट हो जाए, हर एक पेज एक अलग अलग इमेज बन जाए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ PDF बुक, ठीक है, ये मेरे पास एक PDF बुक है, इसमें तकरीबन 100 पेजेस है एंड आई वांट टू कन्वर्ट ईच पेज इनटू एन इमेज। सो यहाँ क्या करेंगे, हम जस्ट इसको अपलोड करेंगे, यहाँ पर अपलोड फाइल्स, इसको ड्रैग कर दें, ठीक। जो ही ये अपलोड हो जाए फिर यहाँ यस कन्वर्ट हो रहा है और फिर डाउनलोड बटन आएगा, हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो इसमें जितनी भी पेजेस है हर एक पेज का एक अलग अलग स्क्रीनशॉट इसमें डाउनलोड हो जाएगा। कन्वर्ट हो गया, डाउनलोड ऑल, यहाँ पर कंप्रेस फॉर्म में ये सारी इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ देखें JPG टू PDF, JPG को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, इसी तरह PDF टू JPG, PDF कंप्रेसर, कंबाइंड PDF, रोटेट PDF, अनलॉक PDF, क्रॉप PDF एंड सो ऑन, ये सारी जो ऑपरेशंस है ये आप इस वेबसाइट में कर सकते हैं, ठीक। द नेक्स्ट वन इज़ द ऑनलाइन OCR। ऑनलाइन OCR क्या करता है, अगर आपके पास कोई कुछ टेक्स्ट है और वो इमेजेस के फॉर्म में है तो वो टेक्स्ट आप बजाय ये कि आप इमेजेस से टेक्स्ट को कॉपी कर टाइप कर दें, यहाँ आप अपनी इमेज को सेलेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल दिस इज़ इमेज, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा दिस इज़ इमेज, ठीक है। इस इमेज के अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट जो है ये मुझे टेक्स्ट फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ आप इसके लिए आउटपुट फॉर्मेट से सेलेक्ट कर दें। सो आई वांट दिस टेक्स्ट टू बी इन टेक्स्ट फॉर्मेट, नॉर्मल टेक्स्ट, और इसको फिर कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ देखें इस इमेज से इस इमेज में जितना भी टेक्स्ट है वो सारा एक्सट्रैक्ट होके आपको इस तरह मिलेगा, जिसको आप एडिट भी कर सकते हैं और इसके साथ अपना कुछ और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, इसको यहाँ से कॉपी या कट भी कर सकते हैं और अपनी किसी भी वर्ड फाइल में या टेक्स्ट फाइल में आप इसको सेव कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन फीचर इज़ द dictation.io। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है, उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप को अपने कंप्यूटर को डिक्टेशन दे सकते हैं और वो आपके साउंड से वर्ड्स को डिटेक्ट करके उससे टेक्स्ट बनाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्च डिक्टेशन, और ये देखे इस ये मैं इसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था तो बिल्कुल उर्दू डिक्टेशन जो है ये लेता है हमसे, और यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर उर्दू आ जाए, ठीक है, मैं जो बोलूँगा ये उर्दू टेक्स्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करके देगा। सो स्टार्ट, अस्सलाम वालेकुम, मैं मियाँ सईद अकबर बात कर रहा हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है हम सब ठीक है। तो देखें देखें अस्सलाम वालेकुम, मैं सीनियर से एक बार बात कर रहा हूँ, आप लोग कैसे, अल्लाह का शुक्र हम सब ठीक है। देखें कितना ज़बरदस्त, मींस उर्दू को डिटेक्ट कर रहा है और फिर सही फॉर्मेट में यहाँ पर आपको वही टेक्स्ट बना के दे रहा है जो आप बोल रहे होते, ठीक है। सो इसको आप कॉपी कर दें और किसी फाइल में आप इसको फिर पेस्ट कर सकते हैं यहाँ। अच्छा MS Word मेरे साथ कोई चूँकि लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है उर्दू लैंग्वेज, इसलिए MS Word में ठीक नहीं आएगा, यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ये ठीक आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद बात कर रहा हूँ और बिल्कुल ठीक आ रहा है। सो दिस इज़ dictation.io, बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, आप अपनी डेली बेसिस में इसको आसानी अपनी आसानी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज इसमें सपोर्टेड है, ठीक है। सो उर्दू भी है इसमें और इंग्लिश भी है एंड सो ऑन, तो इसको खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द copycharacter.cc। कॉपी करेक्टर क्या करता है, अगर आपको इस किस्म की कुछ करेक्टर्स रिक्वायर्ड हो
जो कि आपको नहीं मिल रहे हो। बाज़ औक़ात हम थीसिस लिखते हैं या इस तरह हमें कोई इक्वेशन, किसी इक्वेशन के लिए कोई सिंबल की ज़रूरत होती है और वो सिंबल हमें नहीं मिलता, तो आप यहाँ से देखें करेंसी, अदर सिंबल्स, ठीक है, इमोजीज, पंक्चुएशन, लेटर्स, पॉपुलर एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप अपने लिए करेक्टर्स कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये करेक्टर मैं कॉपी कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक कर दें, ये खुद ब खुद कॉपी हो जाएगा। और जहाँ आपको चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ चाहिए, तो आप वहाँ पर इसको पेस्ट कर दें तो वही करेक्टर आएगा। यहाँ देखें ये करेक्टर आ गया, और इसका आप फ़ोन साइज़, फ़ोन स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉपी डॉट कॉपी करेक्टर डॉट सी सी। द नेक्स्ट वन वेबसाइट इज़ igtimer.com, igtimer.com। ये क्या करता है, अगर आपको टाइमर चाहिए जिस तरह काउंट डाउन होता है, ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि अभी इसी टाइम से लेकर 5 मिनट तक मुझे टाइमर दे दे, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो देखें 5, 4 काउंट डाउन शुरू हो जाएगा अप टू 5 मिनट्स। यहाँ से आप इसके थीम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स और अगली सनसेट, स्लो, ठीक है, लार्ज बार, ये बार 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, और इसी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ टाइमर। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ diagrams.net। diagrams.net क्या करता है, अगर आपने किसी डायग्राम को बनाना हो तो यहाँ आप आसानी से अपनी डायग्राम्स को ड्रा कर सकते हैं। सो जस्ट इसको विजिट कर दें एंड स्टार्ट, अब एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिस इंटरफेस में हम, अच्छा अभी हम से पूछा जा रहा है कि क्रिएट न्यू डायग्राम, यस। अभी हम ब्लैंक डायग्राम या क्लासिक डायग्राम, फॉर एग्जांपल मुझे फ्रूट चार्ट चाहिए, क्रिएट। यहाँ मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आप इसको कहाँ सेव करेंगे, सो अपने डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव करूँगा, फॉर एग्जाम्पल फ्लो चार्ट और क्रिएट। तो देखिए एक एग्जाम्पल फ्लो चार्ट आया, इसमें आप और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई एरो, ठीक है, इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं वो भी लिखते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी, बैकग्राउंड कलर एंड सो ऑन, लाइन कलर एंड सो ऑन। और ये बहुत ज़्यादा इसमें हमारे पास सिंबल्स वगैरह हैं, तो ये सिंबल वगैरह आप यहाँ आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। सो और ये डायग्राम फिर आप अपने साथ सेव कर सकते हैं इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। सो एप डायग्राम बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, आप इसको भी यूज़ कर ले फ्री। ओके, unsplash.com, अगर आपको इमेजेस चाहिए फ्री, तो यहाँ से आप अपने लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की इमेजेस जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेचर रिलेटेड इमेजेस मुझे चाहिए, तो ये सारे इमेजेस आप वन क्लिक से अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट दिस इमेज, सो यहाँ जस्ट क्लिक कर दें, ये इमेज आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेबसाइट विच प्रोवाइड्स फ्री इमेजेस। द लास्ट वन इज़ द resume.com। resume.com क्या करता है, अगर आपने CV बनाना हो और आपको कन्फ्यूज़न हो कि किस फॉर्मेट में बनाऊँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप इतने एफिशिएंट नहीं है कि आप अपने लिए फॉर्मेट खुद से बना लें, सो यहाँ पर आप जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन इंटर कर दें और आपके लिए ये वेबसाइट पूरी CV बना के आपको देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ क्लिक करें, तो फर्स्ट नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मियाँ सईद, लास्ट नेम इज़ अकबर, ईमेल इज़ मियाँ सईद अकबर @gmail.com, फ़ोन नंबर, ठीक है, व्हाट इज़ योर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह आप यहाँ इंटर कर दें, सेव कर दें, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर समरी में भी कुछ लिख दें, ठीक है, इसका स्टाइल चेंज कर दें, यहाँ अगर 1, 2, 3 इस तरह कुछ आपने लिखना हो लिस्ट के फॉर्म में वो इंटर कर दें, लिंक इंसर्ट करने हो लिंक इंसर्ट कर दें एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह हर एक सेक्शन जो है आप यहाँ एडिट कर दें, और आखिर में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इन PDF फॉर्म, प्रिंट कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट वेबसाइट्स विच विल हेल्प यू अलॉट इन योर डेली एक्टिविटीज़। तो इन वेबसाइट्स को अपने साथ बुकमार्क कर दें और इसका फ़ायदा उठा रहे। एंड दीज आर एक्चुअली द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द वेब। वेब जो है इसने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान किया है। पुराने ज़माने में लोगों को, अगर आप कोई काम करना चाहते थे तो आपने किसी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना होता था, लेकिन आजकल इस तरह नहीं है। आजकल अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ ब्राउज़र इंस्टॉल है और आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।
सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको शेयर कर दें, फर्दर लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।